राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम मौजूद हैं पानीपत के शिवाजी स्टेडियम पर, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जा रही है, झांकियां निकाली जा रही हैं। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजय वीर को कहूंगा कि दिखाएं किस प्रकार से जो झांकियां हैं यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। सभी झांकियों में कुछ ना कुछ संदेश देने का काम किया जा रहा है। एक झांकी देख पा रहे हैं तो वहाँ पर वन विभाग की तरफ से वो झांकी है, तो कहीं जो शुगर मिल है उसकी तरफ से झांकी है, तो यहाँ पर हरियाणा राज्य परिवहन है उसकी तरफ से झांकी है। सभी झांकियों में कुछ ना कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए हम ले चलेंगे और एक एक करके झांकियाँ दिखाएंगे कि झांकियाँ किस प्रकार से सजी हुई हैं। सभी भव्य हैं, अनोखी हैं और सभी झांकियों में कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजय को कहूंगा दिखाते रहे किस प्रकार से झांकियां है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है और ये देखिए जो उत्साह है, उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। कोरोना महामारी है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये पूरा जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हमारे जो पुलिस भाई हैं लगातार डटे हुए हैं, यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए हम आगे ले चल के दिखाएंगे किस प्रकार से झांकियां हैं। ये देखिए, ये इंडियन ऑयल की तरफ से ये झांकी बनाई गई है। इसमें ये दर्शाया गया है कि अब पेट्रोल को बचाएं, क्योंकि कई लोग हैं जो घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और वहां पर अपने वाहनों को चालू रखते हैं, जिससे पेट्रोल का जो खात्मा होता जा रहा है। आने वाले हमारे जो भाई हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ पेट्रोल जो बचा कर रखे, इसमें यही संदेश दिया गया। यहाँ देखिए गणतंत्र दिवस 2021 और ये जो झांकी है ये स्वच्छ मिशन भारत द्वारा बनाया गया है। झांकी में ये दिखाया गया है शौचालय का प्रयोग करें, क्योंकि अभी भी कुछ गांव है जहां पर लोग खुले में सोच जाते हैं। ये देखिए निगम द्वारा बहुत ही सुंदर ये झांकी है यहां पर दिखाया गया है। कचरे को कचरेदान में ही डालें, तो बहुत अच्छा संदेश। ये देखिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास। हर झांकी में कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए किसान खुशहाल तो देश खुशहाल का इस पर जो स्लोगन जो छापा गया है, तो बहुत अच्छा। और अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये है जल स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग, जल स्वास्थ्य द्वारा ये बनाया गया है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा एक संदेश देने का कार्य किया गया है। जल को बचाएं, क्योंकि जो जल है वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए सर, किस तरीके की झांकी है ये? जल हमारा आने वाला कल है, इसलिए जल को बचाने के लिए हमें जल को बचाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। इस पर झांकी में यही संदेश देने का काम किया गया है कि जल को बचा कर रखें जो आने वाली पीढ़ी है, ताकि वो भी इसे प्रकृति की एक उपहार है उसे प्रयोग कर पाए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा संदेश देने का काम, इस पर एक ही जो झांकी है उस पर तमाम जो संदेश देने का काम किया गया है। देखिए ये झांकी है शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा बनाया गया है, जो इसमें दर्शाया गया है शिक्षा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। और इस झांकी में यही दर्शाया गया है कि शिक्षा को आप ग्रहण जरूर करें, क्योंकि शिक्षा एक अनूठा। बिल्कुल सर, ये बताइए इस झांकी पर क्या कुछ संदेश देने का काम किया? ये हरियाणा विभाग की तरफ से एजुकेशन विभाग पानीपत की झांकी है, जो ई लर्निंग पे कोरोना काल में जो स्कूल बंद थे और टीचरों ने जो काम व्हाट्सएप पे लैपटॉप पे यूट्यूब के माध्यम से जो पढ़ाई कराई है, उसके अपने बात ई लर्निंग था। जो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, जो मेक इन इंडिया है, तो उसका आपको कुछ फायदा नजर आ रहा है? सर, बच्चों को बिल्कुल फायदा हो रहा है। स्कूल बंद होने के बाद भी अध्यापकों ने यूट्यूब पे लाइव वीडियो बना के लाइव पढ़ाया है बच्चों को, और बहुत सारे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं इससे। हर एक सोशल मीडिया पे मैसेज देखा होगा आपने, मेक इन इंडिया तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन आजकल जो बच्चों को पिटाई है वो तो उसके घर जाकर ही की जाती है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को ई लर्निंग डिजिटल ऐप से बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, और हरियाणा सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है सर ये, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। यहाँ पर और झांकी है जो शायद शिक्षा विभाग द्वारा ये झांकी है, तो ये बताइए मैम, मेक इन इंडिया का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दावा करो ई लर्निंग पर ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल मिला, क्योंकि ऐसे कोविड जैसे टाइम में ई लर्निंग शुरू किया और इतनी सारी ऐप पढ़ाई, पहले व्हाट्सएप आया, अवसर ऐप आई, उम्मीद आई, न जाने कितनी ऐप आई, और सबका बच्चों को फायदा, और टीचर्स ने भी बड़े मन से इस ऐप को आगे बढ़ाया। घर बैठे हुए भी बच्चों को ऐसा नहीं लगा कि जैसे स्कूल ही घर पहुंच गए, इस तरह की फीलिंग आई। और यहाँ पर और भी जो लोग उनसे भी बात करेंगे, ये बताइए क्या कुछ शिक्षा में बदलाव नजर आ रहा है ई लर्निंग के बाद?
हमारी तो हम अपनी झांकी के बारे में ही आपको बताएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग से हमारी झांकी निकली है और इसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसमें डॉक्टर, आईपीएस और सभी फील्ड में जो औरतों ने अपना क्षेत्र में दबदबा वो किया है, बनाया है, मतलब छाप छोड़ दिए हर फील्ड में कि अभी कोई भी फील्ड में औरतें पीछे नहीं है, इसको इस थीम को लेके ही हमारी झांकी हमने निकाली। देखें यहाँ महिला बाल विकास द्वारा भी ये झांकी निकाली गई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा नजर आ रही है। बताइए सर, ये झांकी किस प्रकार से अलग होती है, अनोखी होती है? मैं शिक्षा विभाग से मॉडल टाउन स्कूल में प्रिंसिपल मधु डागर। मेरे स्कूल ने, हम पांच स्कूलों ने पानीपत में जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में हमने बहुत ही मेहनत करके झांकी बनाई है जिसमें हमने मुख्य हमारा जो टॉपिक था वो ई लर्निंग था और जिसमें हमारे पूरे हरियाणा में सभी अध्यापकों ने जो मेहनत की है उसकी एक एक टॉपिक हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है और अध्यापकों ने जो इस लॉकडाउन के दौरान कोविड 19 महामारी के दौरान जो कार्य किया है उसको हमने कोशिश की भरपूर रूप से उसको कवर किया जाए और मेहनत ने जो मेहनत की है अध्यापकों ने वो रंग भी ला रही है, बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अपने स्कूल की एक उपलब्धि बताऊंगी कि मेरे स्कूल में लगभग 250 बच्चों ने एडमिशन लिया है। देखिए अभी जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार कह रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवाए और उसी की झांकी यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना जो टीका है उसे लगवाएं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना टीका लगवाएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये बताइए सर, माननीय प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टीका लगवाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कोरोना वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचें। हल्का फुल्का जो है सिर दर्द या बुखार है ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हैं, वैसे कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कुल मिलाकर ये वैक्सीन सेफ है? बिल्कुल सेफ है, कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट किसी का अभी तक आया नहीं है। कम से कम 2700 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सभी ने जो कोरोना वैक्सीन का टीका है लगवा रखा है, इन्होंने कहा कि इसके कोई जो नुकसान नहीं होते हैं, हल्का जो सिर में दर्द जरूर होगा इसके अलावा कोई आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ देखिए ये एक और स्पेशल यहाँ पर जो झांकी लगाई गई है भारत का ईंधन कॉरपोरेट नेचुरल गैस द्वारा की प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रकृति द्वारा संसाधन में प्राप्त होते हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ, सीमित संख्या में प्रयोग करें, तो एक अच्छी झांकी है, अच्छी पहल है। हरियाणा ये रैंक फर्स्ट की तरफ से ये झांकी है तो बहुत अच्छा पहल है। अटल सेवा केंद्र इसमें दर्शाया गया है क्योंकि लगातार जो डिजिटल इंडिया को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसी को लेकर ये झांकी बनाई गई है, तो बहुत अच्छा ये है। और देखिए लगातार जो लोग हैं, ये बताइए किस तरीके की झांकी है और क्या कुछ खास है इसमें? ये DC ऑफिसरल के अंदर की झांकी है और इसमें यहाँ पे आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, पेंशन से रिलेटेड सारा काम किया जाता है जिससे पब्लिक को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आम जनता की सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये झांकी थी, इसमें दर्शाया गया था कि ये मेक इन इंडिया की झांकी है, डिजिटल इंडिया की झांकी है और डिजिटल इंडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय आधारित विभाग द्वारा ये झांकी बनाया गया है, इसमें क्या दर्शाने का काम किया गया है तो हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। और यहाँ पर ये बताइए झांकी में क्या कुछ खास है? एक तो हमारी यहाँ पे वो ये जो मिल रही है पेंशन ये काफी ज्यादा हो चुकी है, 2250 एक आदमी को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली पेंशन, BPL परिवार को भी बहुत अच्छी पेंशन मिल रही है। BPL परिवार को भी अगर किसी के डेथ हो जाए तो उसको भी 20,000 रुपए मिलते हैं। तो देखा आप सबने, अभी हमने दिखाया पानीपत शिवाजी स्टेडियम से किस प्रकार से जो झांकियां निकाली गई थी सब में एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया गया था। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर, 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।